नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी भारत, यही न्यूज टाइम। जबलपुर के बाद पीएम मोदी की बालाघाट में ललकार, कहा ये चुनाव नए भारत का मिशन, मैं मौज मस्ती के लिए पैदा नहीं हुआ, अभी जो काम हुए वह ट्रेलर है। चुनाव प्रचार के दौरान पांडुरा में मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान, कहा छिंदवाड़ा को कांग्रेस ने कीचड़ बनाया, अब यहां खिलेगा कमल। कमलनाथ ने कहा छिंदवाड़ा मेरे लिए निर्वाचन क्षेत्र नहीं बल्कि मेरी जिंदगी। शहडोल में राहुल गांधी के चॉपर का फ्यूल खत्म होने पर छिंदवाड़ा में शिवराज सिंह ने कसा तंज, कहा चॉपर की तरह कांग्रेस और राहुल गांधी का भी फ्यूल खत्म नहीं कर पाएंगे टेक ऑफ। ग्वालियर के मितेंद्र दर्शन सिंह एमपी यूथ कांग्रेस के नए अध्यक्ष नियुक्त, विक्रांत भूरिया ने की थी पद छोड़ने की पेशकश, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने पत्र लिखने के कुछ घंटे में ही की नियुक्ति। बालाघाट में बीजेपी का बड़ा खुनबाज, जिला पंचायत उपाध्यक्ष राजा लिल हारे समर्थकों के साथ भाजपा में हुए शामिल, मंत्री प्रहलाद पटेल के संपर्क में थे राजा। अनुकंपा नियुक्ति पर पहला हक पत्नी का, भले ही नॉमिनी कोई भी हो, एमपी हाईकोर्ट का अहम आदेश। शहडोल के एक मामले की सुनवाई करती हुई पत्नी की अनुकंपा नियुक्ति बहाल करने के दिए आदेश। विदिशा के बासौदा में मोबाइल में गेम खेलते खेलते 12 साल के बच्चे की मौत, पलंग पर लगी मसरी में फंसा, गले में पहना धागा, स्नान कर मां लौटी तब तक हो चुकी थी मौत। भोपाल के आरजीपीवी घोटाले में तत्कालीन कुलपति सहित 3 अफसरों पर इनाम घोषित, संपत्ति कुर्क करने की तैयारी, 100 करोड़ के घोटाले में 3 आरोपी गिरफ्तार। मेहर में चैत्र नवरात्रि का मेला शुरू, पहले दिन मां शारदा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब, विशेष श्रृंगार के बाद हुई आरती। विक्रम संवत 2081 की हुई शुरुआत, नवरात्रि व हिंदू नववर्ष के मौके पर महाकाल की शरण में पहुंचे जुबीन नौटियाल, कहा उनके दर्शन करते ही सब भूल जाता हूं। ये थी अभी तक की प्रमुख खबरें, अधिक खबरों के लिए लॉगिन करें www.tvbharat.com।